गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः देवियों भाई, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियाँ चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। तो जो आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों की ब्याह शादी करते हैं, बुढ़े होते हैं और मौत के मुँह में चले जाते हैं, एक सामान्य क्रम है, होता रहता है। कोई अचंभे की बात भी नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय आते हैं जिसको विचित्र कह सकते हैं और विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा गया है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं और आपत्ति कालों में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती। घर में आग लग जाए तब कहीं नहाएंगे साहब, अरे नहाने की चलती है, खाना पकाइए, रोटी का समय हो गया है कि छप्पर जल रहा है, छप्पर जल करके आग आ जाएगी और घर में कपड़ों को जला देगी, पहले छप्पर भजाइए, रोटी पीछे खा लीजिए। नहीं साहब, सवेरे 8:30 बज गए, चाय का वक्त है, काफ़ी बना के लाइए। काफ़ी नहीं बन सकती, ये वक्त ऐसा नहीं है, सामान्य समय से भिन्न है। तो क्या करना चाहिए, सब काम बंद कीजिए, बाल्टी लेके चलिए, रेत लेके चलिए, छप्पर के ऊपर डालिए। और बहुत सारा काम था हमारा, स्कूल को बच्चा जाने के लिए देर हो रही है, 9:30 बजे स्कूल खुल जाता है, बंद कीजिए स्कूल को, बंद कीजिए। एक दिन में क्या हो जाएगा स्कूल, नहीं साहब एक दिन में नहीं, बच्चा 8:30 बजे स्कूल जाने वाला है, आग लग रही है छप्पर में, इसको देख पहले। क्या है ये आपत्तिकाल है, दुर्घटना हो जाए रास्ते में, अपने बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, चलिए साहब ऑफिस जाना है तो गैर हाजिरी लगा देगा, एक दिन का जुर्माना कर देगा, नहीं ऑफिस को 10:10 बजे पहुँचना चाहिए। इस बच्चे का क्या होगा, बच्चे का साहब जब ऑफिस से आएंगे तब देखा जाएगा, तब जाएंगे टेलीफोन करेंगे, बंद कर ऑफिस को, बच्चे को लेकर के अस्पताल चल, उसको प्लास्टर करा के ला। ये क्या कह रहे हैं, आपत्तिकाल है। रात को काट खाया बिच्छू ने, उठिए भाई साहब, 11:30 बजने हैं, अब सोने का समय है, हमको चुपचाप सोने दीजिए और आप छत पर चले जाइए, चुपचाप चिल्लाते रहिए, सवेरे हम 5:30 बजेंगे तब आपके देखभाल करेंगे, तब इलाज करेंगे, अब तो हमारा सोने का समय सामान्य समय में होता है, बिच्छू काट खाता है तब सोने का समय नहीं होता। आपत्तिकाल की जो कीमत समझते हैं, जो मर्यादाएँ समझते हैं, आपत्तिकाल की मांग उसको समझते हैं, उनको ये भी ध्यान है, आपत्तिकाल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएँ बनाई जाती हैं। देश के ऊपर कोई हमला कर देता है दुश्मन, तो क्या करना पड़ता है, दुश्मन भरना पड़ता है, तो सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। हमारा ब्याह है, आपका ब्याह होगा अगली साल, हमारा 19 तारीख को मुहूर्त छट गया था, बंद कीजिए 19 तारीख, दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको छुट्टियां रद्द की जाती हैं और आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमारा बाप बीमार है, बीमार पड़ने दीजिए, अस्पताल में हकतार दे दीजिए, कोई हकीम होगा तो इलाज कर देगा। हमारी माँ मर गई है, हमको श्राद्ध करना है, भाई साहब देश पर हमला कर दिया है, घर वालों कह दीजिए माँ का श्राद्ध करना हो तो कर दें, ना होगा तो अगले साल श्राद्ध करना, इस वक्त बंद कीजिए। नहीं साहब, श्राद्ध की तारीख है, बेटे सामान्य समय की बात है, सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए, सामान्य समय पर बाप का इलाज भी करना चाहिए, सामान्य समय पर अपनी ब्याह शादी भी करनी चाहिए, सामान्य समय पर अपनी लड़की बड़ी हो गई है उसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए, असामान्य समय पर मिलिट्री में आपको मिलिट्री मैन है तो लड़ने जाना चाहिए, और अगर मिलिट्री मैन नहीं है और कंपल्सरी भर्ती के लिए हुक्म दे दिया गया है कि नौजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीए का सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में लगा दीजिए आप, चुपचाप के लिए मिलिट्री में भर्ती हो। नहीं साहब, हमारा हम फेल हो जाएंगे और हम थर्ड डिवीजन हो जाएगा। थर्ड डिवीजन की बात आपकी सही है, लेकिन ये बात उस समय के लिए सही है कब, जबकि सामान्य समय है तब आपको ट्यूशन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और ये करना चाहिए, और जब आपत्तिकाल है तो बीए की पढ़ाई बंद करनी चाहिए, डिवीजन ख़राब हो जाएगा, ट्यूशन है बंद कीजिए। क्या करें, आपको मिलिट्री में भर्ती होना पड़ेगा, नौजवान है तो एनसीसी सीखिए, एनसीसी में भर्ती होकर के आप तुरंत मिलिट्री में चले जाइए और भर्ती में कीजिए और लड़ाई लड़िए, फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ाई आपकी बंद होगी। क्यों, आपत्तिकाल की मर्यादा को जो आदमी समझते हैं वो ये समझते हैं
सामान्य जीवन के क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाएं के बाद से अलग तरीके से विचार करना पड़ता है। ये कह रहा था आपसे कि ये आपत्तिकाल है, ये आपत्तिकाल है जिसमें आप गुजर रहे हैं। क्यों साहब? वही आपत्तिकाल जो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था बेटे, वो इंदिरा गांधी वाला आपत्तिकाल नहीं, वो तो 18 महीने को आया था और चला गया गण के तरीके से। तो और कौन सा आपत्तिकाल है? और बेटे आपत्तिकाल है अगर आप हमारी आँख से देख पाएँ तो, अपनी आँख से देख पाएँ तो मुश्किल है, हमारी आँख से देख पाएँ तो आप देख पा सकते हैं कैसी तूफान आ रहे हैं और कैसी आंधी आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि आप सिर्फ सामने का चीज़ देखते हैं। आपको वो चीज़ दिखाई पड़ती है जो सामने की है, ज़मीन आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती। आपकी आँखें बहुत छोटी हैं। सवेरे भी पेड़ हमारे पास यहीं था, देखिए हमारा मकान तो यहीं है, और मकान कहाँ भाग रहा है? मकान भाग रहा होता और पेड़ भाग रहे होते और छत भाग रही होती तो बताइए हम यहाँ के इतना कैसे बैठे हुए हैं? नहीं साहब, गलत बात कहते हैं, पृथ्वी नहीं भागती है बेटे। एक मिनट में 6000 मील की चाल से पृथ्वी तेज़ी से भागती हुई चली जा रही है, जिसके लिए गोली भी कोई चीज़ नहीं है, बंदूक की गोली भी कोई चीज़ नहीं, इस तेज़ी के साथ दंदनाती पृथ्वी भाग रही है। ये सब हम आपकी बात को नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते, लेकिन हमारे साथ साथ चलिए। आपको चंद्रमा के रॉकेट पर बिठा करके, चंद्रमा पर बिठा करके लेके चलेंगे, जो आप आज नहीं देख सकते वहाँ से हम दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे? पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा की ज़मीन पर जा बैठिए। चंद्रमा की ज़मीन पर जो आदमी गए थे उन्होंने ला के खबर दी है। क्या ला के खबर दी है? हमने पृथ्वी को देखा। कैसे देखा पृथ्वी को? कुछ अजीब किस्म का देखा। अजीब किस्म का क्या देखा आपने? हमने अजीब किस्म का ये देखा कि पृथ्वी नीले रंग के रॉड की तरीके से, चंद्रमा जितना हमें ज़मीन पर से दिखाई पड़ता है इससे 3 गुनी बड़ी, चंद्रमा से 3 गुनी बड़ी। हाँ भाई साहब, चंद्रमा से 3 गुनी हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है, और ये पृथ्वी ऐसी चमकती है जैसे रॉड चमकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में हम लिखापढ़ी नहीं कर सकते बैठ करके, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती है। लेकिन पृथ्वी की रोशनी जब चंद्रमा की ज़मीन पर पड़ती है तो वहाँ जा करके बैठ करके आप खुशी से, जैसे जलते हुए रॉड जलते हैं उसकी रोशनी में आप चिट्ठी पत्री पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, पृथ्वी की रोशनी पर बैठ करके आप कर सकते हैं। अरे पृथ्वी की बात कह रहे हैं, यहाँ क्या है रोशनी है बेटी? यहाँ की रोशनी धूप चमकती है, इससे वहाँ पृथ्वी ऐसी ज़ोर से चमकती है। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता, आपको यहाँ की ज़मीन पर रहते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी जो वहाँ से दिखाई पड़ती है रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है, चंद्रमा तो पीला, चंद्रमा पीला दिखाई पड़ता है, पर पृथ्वी रंग बिरंगी ग्लोब की तरीके से दिखाई पड़ती है। जहाँ जहाँ इसमें बर्फ़ जमी हुई है वो हिस्से सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, जहाँ इसमें जंगल है वो हरे दिखाई पड़ते हैं, या पानी भरा हुआ है वो नीले दिखाई पड़ते हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है? वैसे ऐसे रंग बिरंगा ग्लोब जैसे होता है, ऐसे घूमता हुआ आसमान पर दिखाई पड़ता है, चलती हुई दिखाई पड़ती है ज़मीन। चंद्रमा तो चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता आपको, लेकिन चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी बड़ी होने की वजह से पृथ्वी जब घूमती है तो वहाँ बराबर जैसे हवाई जहाज चलते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हवाई जहाज चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ये पहुँचा। चंद्रमा पर से ये पृथ्वी बराबर चलती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए साहब, ये चल रही है घड़ी की तरह से, हाँ साहब चल रही है, और देखिए और चल गई दिखाई पड़ते हैं। ये क्या कहते हैं? ये तो आँखों का फर्क है बेटी। आँखें यहाँ जब आपकी काम दिखाई नहीं पड़ती, चंद्रमा की आँखें अलग हैं और वो आँखें अलग हैं, आपकी आँखें अलग हैं। आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। गूलर के बीच में बंद रहने वाले भिंगे को कुछ पता नहीं, सवेरे से उठते हैं और शाम तक सोते हैं, टाइम होता है फिर उसी में बैठे रहते हैं। कुछ आपको आफत तो नहीं है? नहीं, कोई आफत नहीं है। बरसात तो नहीं हो रही है? बरसात क्या करेगी? गर्मी तो नहीं पड़ रही है। मलेरिया तो नहीं फैल रहा है? मलेरिया क्या करेगा? तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो गूलर के भीतर रहते हैं, न हमारे यहाँ मलेरिया आता है, न सवेरा होता है, न शाम होता है, न दिन होता है, न घाटा पड़ता है, न गर्मी आती है, न ठंडक आती है, मौज से हम रहते हैं। कौन है? गूलर के भिंगे को कुछ पता नहीं चलता। हमारी आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भिंगे की तरीके से हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता, तब आपके लिए दिन सामान्य है।